शादी के बाद भी एक टिपिकल पंजाबी फैमिली में आने के बाद भी यही महसूस हुआ कि नहीं बेटे बेटे हैं, बहुओं को तो सिर्फ एक मेड बना के लाया जाता है, ये मैंने महसूस किया। मैंने अपने आप को हर रात रो के अगली सुबह फिर स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं मुझे कुछ बनना है, अपने आप से प्यार करना है। उठी और एक ऐसे छोटे से जिले तरन तारण में जहाँ मेरी शादी हुई, टेररिज्म का उस टाइम पे बहुत जोर था, मैंने अपने आप को खड़ा किया। हमारी जो अपनी पर्सनालिटी है, हम जब तक खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे। ये जेंडर इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा एक शब्द बनकर रह गया है। जब तक हम औरत का सम्मान नहीं करेंगे, जिस दिन से औरत का सम्मान होना शुरू हो गया, समानता अपने आप आ जाएगी। मोबाइल फोन नहीं यूज करेंगी, पार्टियां नहीं करेंगी। अरे क्यों, कौन होते हो तुम ये सब कहने वाले? डालेंगे हम रिप्ट जीन्स भी, फोन भी यूज करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे हम किसी को अपना बाप। तो हाय एवरीवन, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू ऑल कि आज मुझे ये चंडीगढ़ में SB कॉलेज में आज एक ऐसे विषय पे जेंडर चैंपियन क्लब के लिए आज मुझे इनवाइट किया गया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। आज जो मनीषा गुलाटी आपके सामने पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बन के खड़ी हुई है, इसकी एक स्टोरी जेंडर इक्वालिटी से ही मैच बहुत करती है, क्योंकि हमारे समाज में कोई किसी का स्ट्रगल देखना नहीं चाहता, दुनिया सिर्फ सक्सेस को सल्यूट करती है। पर आज मुझे ये लगता है हर पर्सनालिटी के साथ ही ये सब होता है। आज हमारे जितने भी ये बच्चे हैं, कल को कहीं ना किसी सीट पे जाके बैठेंगे, पर अब जो इनका स्ट्रगल चल रहा है अपने आप से, अपनी इमेज से, अपनी पर्सनालिटी से, समाज के ठेकेदारों से, लोगों से, अपनों से, घर वालों से, इन सब से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रगल, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, निकल के आएंगे बाहर, पर फिर भी कोई इनकी इस स्ट्रगल को देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि दुनिया का जो असूल है, जो हमारी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, जो हमारे समाज के ठेकेदार है, उन्होंने सिर्फ एक असूल ये बनाया हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को ही सल्यूट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, उसकी सबसे बड़ी मुक्त भोगी मैं खुद रही हूँ। मेरे अपने घर में ही, अपने परिवार में ही मेरे भाइयों को प्रायोरिटी पे रखा गया। हमारा टाइम था, मानते हैं उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, पर शादी के बाद भी एक टिपिकल पंजाबी फैमिली में आने के बाद भी यही महसूस हुआ कि नहीं बेटे बेटे हैं, बहुओं को तो सिर्फ एक मेड बना के लाया जाता है, ये मैंने महसूस किया। पर मेरा एक ड्रीम था जिसने मुझे सोने नहीं दिया कि क्या मैं एक कामवाली बन के आई हूँ इस घर में, क्या ये मेरी पर्सनालिटी है? नहीं, मैंने अपने आप को हर रात रो के अगली सुबह फिर स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं मुझे कुछ बनना है, अपने आप से प्यार करना है। उठी और एक ऐसे छोटे से जिले तरन तारण में जहाँ मेरी शादी हुई, टेररिज्म का उस टाइम पे बहुत जोर था, मैंने अपने आप को खड़ा किया। NIFT फैशन टेक्नोलॉजी के जो दुनिया में सबसे बड़ा कॉलेज है दिल्ली, वहां पर मैंने एडमिशन ली। ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट की। अभी रितु मैम, लास्ट मंथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर की है, मैंने MA पास की है।
लगता है जीवन में सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हमारी जो अपनी पर्सनालिटी है, हम जब तक खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे। ये जेंडर इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा एक शब्द बनकर रह गया है। औरत और मर्द को समानता का अधिकार मर्द को कानून में नहीं है, और पब्लिक लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में औरत को समानता का अधिकार नहीं है और होगा भी नहीं जब तक हम औरत का सम्मान नहीं करेंगे। जिस दिन से औरत का सम्मान होना शुरू हो गया, समानता अपने आप आ जाएगी। तो उस दिन इस शब्द का मीनिंग रह जाएगा जेंडर इक्वालिटी अब होने लगी है। नहीं तो हमारी देश की इस टाइम 50% वुमेन कम्युनिटी के पास सेल फोन नहीं है, 50% फीमेल कम्युनिटी के पास सेल फोन नहीं है, और अभी भी प्रोमिनेंट लोग कह देते हैं रिप्ट जीन नहीं डालेंगी, मोबाइल फोन नहीं यूज करेंगी, पार्टियां नहीं करेंगी। अरे क्यों, कौन होते हो तुम ये सब कहने वाले? डालेंगे हम रिप्ट जीन्स भी, फोन भी यूज करेंगे, पार्टी भी करेंगे, नहीं मानेंगे हम किसी को अपना बाप। तो ये सब होने के लिए हमें खुद से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपना वजूद बनाना पड़ेगा। ये हमारी लाइफ है, जीवन एक ही बार मिला है, हमें अपनी शर्तों में इसे जीना है। पर फिर भी हमारा जो हमारे फैमिली मॉरल्स हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारे पेरेंट्स का जो एक सैक्रिफाइस छुपा हुआ है हमारी इस परवरिश के पीछे, अपनी बाउंड्री हम खुद ही फिक्स करेंगे। और हमारे बच्चे आज इतने समझदार हो चुके हैं, हमारे बच्चों की फ्रीडम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और जहां पर फिर कानून की बात आती है, मैं एज ए कमीशन की चेयरपर्सन, हमारे यहाँ लोक अदालत लगती है, हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, हर 10 में से 3 मेल सही हैं, पर उनको सुना ही नहीं जाता, कोई उनको सुनना ही नहीं चाहता। और इससे भी बहुत सारी फिर कानून में बहुत सारी चीजें रिलेट करती है कि कहां क्या सुनवाई हो रही है और कहां क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये इक्वालिटी ऑफ लॉ होना कि सही को सही और गलत को गलत कहने की, एक इंसान में एक पर्सनालिटी ये होनी चाहिए। मैं विमेन कमीशन की चेयरपर्सन जरूर हूं, पर मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर लड़का सही है तो सही है, अगर लड़की गलत है तो गलत है। क्योंकि कानून की सीट पे बैठ के हम जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे आज जो पाश्चात्य देश है वहां पर जेंडर इक्वालिटी के अगर रेशो को देखा जाए, वहां पर पब्लिक लाइफ में औरतों की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर बराबरी का अधिकार दिया गया है, वहां पर महिलाएं भारी है पुरुषों पर फिर भी हम इसे जेंडर इक्वालिटी ही कहेंगे। तो हमारे देश में कब होगी ये जेंडर इक्वालिटी? क्या आज मैं इस सेमिनार में आई हूं इस स्टेज पे खड़े होके बोल के जाने से, या ये चैंपियन क्लब बनने से, या बड़े बड़े सेमिनार करने से क्या जेंडर इक्वालिटी एक्चुअल में हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें सम्मान करना पड़ेगा, मर्द को औरत का, औरत को मर्द का। आज हर फैमिली में हम अपनी डॉटर के लिए बड़े सुनहरे सपने देखते हैं कि उसे दुनिया का हर सुख चाहिए, पर जब हमारे बेटे की शादी की बारी आती है तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हम लड़की से, पराए घर आई लड़की से वो उम्मीदें कर बैठते हैं कि वो बाहर भी काम करके आए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाले। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
कि आज के जो बच्चे हैं उनको ये समझना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि समय बदल रहा है। अगर आप जो सपने मेरे लिए देख रहे हो तो बाहर से आई हुई लड़की के लिए भी यही प्रायोरिटी रखो, उसको भी इतना ही बराबरी का हक रिस्पेक्ट दो। अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट वीक एक केस आया, एक लड़की का हस्बैंड बाहर है फॉरेन कंट्री में, उस लड़की के दो बच्चे हैं और उसका वीजा आ चुका है, बच्चों का वीजा आ चुका है, पर वो जाना नहीं चाहती क्योंकि चीजें खराब होनी यहाँ घर से शुरू हुई। उसकी मदर इन लॉ ने मेरे को कंप्लेंट की लड़की के, ये हमारे पास जाना नहीं चाहती। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर लगा कि हस्बैंड बाहर है, वो इसे कॉल कर रहा है, हाई क्वालिफाइड लड़की। तो हमने लड़की को संबंध डाल के बुलाया, उसकी फैमिली को, उसके फादर आए साथ और मदर इन लॉ ने कंप्लेंट दी, वो भी आए, बातें शुरू हुई। तो कंप्लेनेंट मदर इन लॉ थी, पहले कंप्लेनेंट को सुना गया कि क्यों नहीं जाना चाहती। लड़की बड़ी शांत क्वाइट बैठी रही, बड़ी हाई क्वालिफाइड थी, मैं उसकी एजुकेशन सुन के हैरान रह गई। बड़ी स्ट्रेस में थी कि कमीशन ने आज मुझे बुलाया, पता नहीं कमीशन क्या डिसीजन दे देगा। तो मदर इन लॉ ने बात करनी शुरू की, जी देखो ए वीजे लग के आ गए, ए जाना नहीं चाहती, ए ए ए ओ जान। अब फिर हमने फिर लड़की से बात की तो लड़की ने बताया कि मैडम इन्होंने मेरे हस्बैंड के दिल में इतनी बातें भर दी हैं कि मुझे लगता है कि वहां पर जाकर मैं सिक्योर नहीं रहूंगी, इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किए। लड़के के फादर का कहना था कि इसने हमारे पे एलिगेशन लगाया है कि मुझे फादर इन लॉ गलत नजर से देखते हैं, ऐसे आर्गुमेंट शुरू हो गए। सडनली लड़के के फादर उठे, उन्होंने मुझे 6-7 पिक्चर्स पकड़ाई, मैडम ये देखिए, वो लड़की के किसी और लड़के के साथ पिक्चर्स थी। मैंने कहा ये क्या है, ये इसका बॉयफ्रेंड था। मैंने कहा कब था बॉयफ्रेंड, जी 10 साल पहले। मैंने कहा शट अप, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, तुम उसकी आज प्रेजेंट में उसका पास्ट लेके आ रहे हो, था तो था, इट्स नॉट ए बिग डील, बॉयफ्रेंड बनाया बन गया, बन जाते हैं बॉयफ्रेंड, इसमें इट्स नॉट ए बिग डील, तुम उसके पास्ट को उसके प्रेजेंट के साथ जोड़ोगे, हु आर यू। मैंने उन्हें गेट आउट, मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, और मैंने सारी पिक्चर्स फाड़ दी। लड़की रोने लग गई, ये सब देख के वो बहुत इमोशनल हो गई, उसको समझाया, उसके फादर साथ थे। और फिर मैंने उनसे बात की कि आप इसको फॉरेन लेके जाना चाहते हो, इसके हस्बैंड के दिल में आप मेरे आगे कोर्ट में ये पिक्चर्स 10 साल पुरानी रख रहे हो, वो हस्बैंड इसको कैसे खुश रखेगा, विदेश में चली जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। मैंने लड़की से बात की कि आप क्या वो जाना चाहती है, छोटे छोटे दो बच्चों के फ्यूचर का सवाल था, तो शादी से पहले ही पता था कि बॉयफ्रेंड था। जब पता था तो फिर आप पहले सोचना चाहिए था, और अब शादी के 10 साल बाद फिर उस लड़के को भी, मुझे जो लड़की ने बताया जो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसको भी कॉल करके कहा जा रहा है कि एक बार इसके साथ फोन पे बात करके रिकॉर्डिंग भेज दे, मतलब हैरास करने के लिए आप उसे विदेश लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसी दवाई दी है, याद रखेंगे वो कि कोई कमीशन में कंप्लेन देने गए थे, कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि आज हमारी बच्चियों के प्रेजेंट के साथ कोई उनके पास्ट को छेड़छाड़ करके ये सोचने की गलती ना करे कि हम कमीशन या मेरी नजर में अगर कोई पड़ गया ऐसा मैटर कि हमारी बच्चियों के, लड़कियों के या लड़कों के पास्ट हमेशा पास्ट ही होता है, अपने प्रेजेंट को लेके जियो। और ये जो सब रिश्तों में चीजें होती हैं, ये शादी से पहले सोचनी चाहिए, शादी के बाद, दो बच्चों की मां होने के बाद। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि ये पहले था, ये ऐसे था, कॉलेज में को एड में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कैंटीन में बैठते हैं, बच्चे पार्टी करते हैं, बच्चे पिकनिक करते हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी हमारी मेल और फीमेल की दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं करती, ना करे, पर हम अपनी बाउंड्रीज हम दोस्त बनाएंगे, हम अपनी बाउंड्रीज खुद ही फिक्स करेंगे, हमारी फ्रीडम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। पर आजकल के जो पेरेंट्स हैं
अगर ऐसा कुछ करते हैं कमीशन कड़ा एक्शन लेगा, तो ये भी एक इक्वालिटी ऑफ लाइफ पे आता है, इक्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी पे आता है कि हम अपने बच्चों को कोएड में तो पढ़ाना चाहते हैं, पर आगे जाके हम जो उनके आगे लक्ष्मण रेखाएं बिछानी शुरू कर देते हैं वो बिल्कुल गलत है। कमीशन बहुत सख्त है, मैं अपने बच्चों की, अपने यूथ की फ्रीडम पे या उनकी पर्सनैलिटी पे कोई अटैक करे मैं बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं करती। तो मेरा आज, अब मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक बात ही बार बार कहूंगी कि मेरी बच्चियां, मेरे बॉयज, मेरी गर्ल्स, अपने आप से हम प्यार करें, अपनी बाउंड्री खुद ही फिक्स करें और अपने पेरेंट्स का जरूर सम्मान करें जहां पर हमारे पेरेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि हम जो लोग हैं, इंडियंस हैं, हमारी लाइफ में इमोशंस को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी सारी लाइफ इमोशन के ही सराउंडिंग घूमती रहती है। और ये जो इमोशन होती है ना, ये समाज के दायरे में हमको रिश्तेदार इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी सारी बातें हमारे बच्चों की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारे बच्चों के जीवन पे बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। मेरा ये मानना है कि परिवार एक सोच के साथ साथ चलता है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे उनका तो काम ही कहना है। आप अपने बच्चे को एक फ्रीडम दो, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ने दो। उम्मीद करती हूँ जेंडर इक्वालिटी, लॉ इक्वालिटी तभी होगी, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समानता का अधिकार दें, बराबरी का अधिकार समाज में मिलना चाहिए और औरत औरत से प्यार करे।